वाले टॉपिक पे वीडियो बना। हे गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बायपोजिशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सब कैसे हैं गाइस? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। स्ट्रेट मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, उनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है और कौन सा डेज है, किस प्रोफेशनल में? हेलो मैम, गुड इवनिंग, कैसी हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू सिंह है और मेरा आज 10th डेज है। ओके, और अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? मैंने गियर, क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन, यहाँ से राइट, पहला राइट सिग्नल। ओके, आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास टाटा नेक्सॉन है। ब्रेक पे पैर रखो, टाटा नेक्सॉन। ओके, और जाने दो, ब्रेक रिलीज करो। गुड। ब्रेक रिलीज करने का मतलब ये नहीं कि आप ब्रेक से पैर हटा लो, ब्रेक जो आपने ब्रेक को पुश किया पैर उसी पे रहेगा, बस उसको रिलीज करो। दोस्तों, अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जाने दो, क्लच ब्रेक छोड़ो दोनों, टर्निंग के साथ चढ़ाई भी है। अगर ऐसी सिचुएशन है और चढ़ाई पे आपने ब्रेक ज़्यादा ले लिया तो इंजन बुझ जाएगा झटके मार के, ठीक है? राइट वाले पैर को थोड़ा सा आप और ध्यान दो, इतनी जल्दी एक्सेलेटर पे मत भागा करो। यहाँ से लेफ्ट हाफ क्लच ले लिया करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो, गाड़ी अपने आप डाउन हो जाएगी। इन सब गलियों में चलाने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहीं से लेफ्ट हाफ क्लच हाफ ब्रेक, हाफ क्लच हाफ ब्रेक, स्पीड और कम। हाँ, गुड। क्लच लेके ब्रेक लोगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी, खाली ब्रेक लोगे तो इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि पहले से वो 10 की स्पीड में चल रही है। और आप अगर स्पीड कम करना चाहोगे तो इंजन बुझ जाएगा। हाफ क्लच, थोड़ा सा ब्रेक, अगर गाड़ी 10 की स्पीड में है तो थोड़ा सा क्लच लेके ब्रेक लोगे तो कभी भी इंजन बुझेगा नहीं। यहीं से राइट, राइट, हाँ, स्लो करके, एकदम स्लो। गुड, जाने दो धीरे से। हाँ, अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है आपको। टर्निंग से 100 मीटर पहले सिग्नल, हॉर्न, राइट वाला पैर ब्रेक पे, और पूरा पैर मत उठा के लाइए। मैंने बताया था ना आपको पैर कैसे रखना है, उसको लिटाना नहीं, एकदम स्ट्रेट रखना, थोड़ा सा ब्रेक और क्लच, ताकि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। ज़्यादातर स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, वो ब्रेक से गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं। ब्रेक से गाड़ी नहीं रोकनी है, क्लच से इंजन को कंट्रोल करना है। जब हम क्लच से इंजन को कंट्रोल कर लेंगे तो गाड़ी तो हमारी ऑटोमेटिक रुक जाएगी, समझ रहे हैं आप? हाँ, अभी सीधा जाके लास्ट में रोकना है, फिर आपको बैक करना है, यहीं पर एकदम सीधा सीधा गाड़ी रोकना है। रोकने के लिए पहले क्या दबाएंगे आप? क्लच, उसके बाद ब्रेक। हाँ, क्लच एक ही बार में, एक सेकंड में पूरा दबा लेंगे आप, फुल क्लच दबाएंगे, फिर ब्रेक धीरे धीरे। हाँ, स्टॉप करो सीधी सीधी गाड़ी, बस स्टॉप। गुड, अब इसको न्यूट्रल करो, अब पूरा क्लच दबा के रिवर्स गियर डालो। हो गया? नहीं लगा, अब लगा है। अब पहले मिरर चेक कर लो, राइट वाला, लेफ्ट वाला, लुकिंग ग्लास, स्टीयरिंग सीधी रखो, टेढ़ी है, ये सीधी है, ठीक है? अभी आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा और लेफ्ट वाला क्लच पे रहेगा। क्लच हाफ छोड़ना है, फुल नहीं, फुल नहीं, हाफ। चलो जाओ धीरे से, एकदम सीधी गाड़ी जाएगी, एकदम सीधी सीधी, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, पूरा क्लच रिलीज नहीं करना, नज़र आपकी पीछे रहेगी मिरर के जरिए से। राइट काटो थोड़ा सा, राइट, बस। हाँ, हल्का लेफ्ट आओ, हल्का सा लेफ्ट, बस, हल्का राइट, ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। ज़्यादा काट रहे हो, बस सीधा जाने दो एकदम। ये लेफ्ट वाला जो बॉर्डर है, आप इसमें शीशे में देखो ना, आपको दिख जाएगा रोड का बॉर्डर, दिख रहा है? तो बस इसी से अंदाज़ा ले लो, धीरे धीरे जाने दो एकदम धीरे धीरे। हाँ, हल्का राइट रखो, हल्का सा राइट, राइट, बस, लेफ्ट आओ, बहुत ज़्यादा घुमा दे रहे हो, बस इतना छोड़ो, स्टीयरिंग देखो इतना काटा जाता है, हटाओ हाथ, हाथ हटाओ, ये देखो बस, हल्का राइट, हल्का लेफ्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गाड़ी सीधी है ना, स्ट्रेट है एकदम। जाने दो धीरे धीरे, राइट रखो, हल्का सा राइट, बस, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा राइट और काटो, और बस, जाने दो। गुड, वापस स्टॉप करो, पूरा क्लच देन ब्रेक, फुल। अब फिर रोक रोक कर बढ़ाना है रिवर्स में, अब पहले ब्रेक छोड़ो, फिर धीरे से क्लच, हाफ क्लच, फुल नहीं, झटके से छोड़ दिया आपने। मैंने क्या कहा है, हाफ क्लच, आपने पूरा क्लच सडनली से रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से इंजन बुझ गया। हाँ, क्लच दबा के स्टार्ट कर लो, क्लच को पूरा छोड़ना ही नहीं, जैसे हम चुटकियों से पेन को पकड़ते हैं ना, उसी तरीके से क्लच को। आपने क्या करा ना, 60% से ज़्यादा क्लच तुरंत छोड़ दिया, और आपको सिर्फ हाफ ही क्लच छोड़ना है, बस, ये होता है हाफ क्लच। फिर वापस क्लच दबाओ, फिर वापस सेम चीज़, वही वन मोर। ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए, अगर ब्रेक दबा होगा तो गाड़ी रुक बंद हो जाएगी, इंजन बुझ जाएगा। बहुत ही धीरे धीरे स्टीयरिंग सीधी करो, ज़्यादा राइट काट दिया आपने, बस, हल्का राइट रखो, हाँ, बस, जाने दो, राइट रखो, थोड़ा सा राइट, हाँ, गुड। अभी इस गली में आपको रिवर्स करना है, जो मेरे लेफ्ट साइड में गली है उसमें रिवर्स में जाना है, हल्का राइट रखो,
देख के ज्यादा आइडिया लग रहा है। तो पीछे देख के भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पीछे देख के भी कर सकते हो। जाने दो धीरे धीरे, इधर लेके जाना। हाँ उस गली में लेके जाना, जाओ अभी सीधी रखो, अभी नहीं काटना है, अभी और आगे जाने दो, अभी जब मैं बोलूंगा जब काटना। हाँ अभी जाने दो, अब काट दो लेफ्ट, पूरी फुल काटो, जल्दी जल्दी फटाफट 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 फटाफट। हाँ जाओ जाने दो, अब राइट वाले मिरर को चेक करो, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, सीधी करो फटाफट, सीधी करो फटाफट, जल्दी जल्दी एक राउंड और बस अब सीधी हो गई। अब जाओ स्ट्रेट जाओ, एकदम जाओ सीधा, एकदम सीधा, इंजन बुझना नहीं चाहिए, गुड। हल्का राइट रखो, राइट वापस लेफ्ट आओ, ज़्यादा काट दिया आपने राइट। आप देख कहाँ रही हैं ये बताओ। हाँ हाँ तो फिर अभी पीछे आपके ऑल्टो भी खड़ी, ध्यान रखना काफ़ी दूर है। जाओ जाओ धीरे धीरे जाओ, बस रोको पूरा क्लच धीरे से ब्रेक। हाँ बस न्यूट्रल करके पहला गियर करो और निकाल लो, टी रखो अपने अंदर, लेफ्ट का सिग्नल दो, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, थोड़ा फटाफट करना होता है, हॉर्न बजाओ। हाँ छोड़ो क्लच ब्रेक, ज़्यादा ले लिया आपने, ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया इसलिए गाड़ी खड़ी होगी। अब दूसरे गियर में आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्लो जाएगी तो इंजन बुझ जाएगा। बस इतनी कम से कम इतनी स्पीड रखो जितने में आप संभाल सको, आप कई बार बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हो जिसकी वजह से इंजन ऐसा लगता है बुझ जाएगा। यहाँ से लेफ्ट, और जैसे पैरों का हम काउंटिंग करते हैं ना उसी तरीके से क्लच को जजमेंट लेना है। छोड़ो धीरे धीरे, नहीं बंद हो जाएगी गाड़ी, अभी बुझ जाएगा इंजन, देखो जर्किंग कर ही रहा था। अभी दो सेकंड और ब्रेक दबा के रखती है, अभी इंजन बुझ जाता। यहाँ से राइट, राइट का सिग्नल दो, क्लच भी ज़्यादा देर तक नहीं दबा के रखना है ना, हाफ क्लच पे इसलिए रखते हैं ताकि गाड़ी गियर में एक्टिव रहे, वो धीरे धीरे खिसकती भी रहे। हॉर्न बजाओ, पत्थर पे मत चढ़ाना। हाँ गुड, और जब चलाने लगोगे ना आप तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ जाएंगी। राइट का सिग्नल, ब्रेक पे पैर, बस गुड। यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है फिर, हाँ ब्रेक पे पैर रख के टर्न करो, जिस साइड जाना उसके अपोजिट हमेशा देखना होता है, खतरा हमेशा किधर किधर से होता है, बैक साइड से। अब हमें लेफ्ट जाना था तो लेफ्ट में तो आप फोकस कर रही थी, बट खतरा किधर से था, राइट साइड से, राइट साइड से, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। अब लेफ्ट का सिग्नल, हॉर्न, क्योंकि ये सब ब्लाइंड टर्न है, कब कौन कहाँ से निकला है कुछ पता नहीं है। टर्निंग पे राइट वाला पैर हमेशा ब्रेक पे रहना ही चाहिए, ब्रेक लगाना ना लगाना एक अलग मैटर है, ज़रूरी नहीं कि आप हर मोड़ पे ब्रेक लगाओ, बट जब पैर होगा आपका तो ऑटोमेटिक जब कोई भीड़भाड़ वाला एरिया आएगा ना तो वो दब जाएगा, और अगर एक्सेलेटर पे होगा तो भी दबेगा, आप ब्रेक समझ के एक्सेलेटर दबा दोगे। राइट का सिग्नल, स्पीड कम, यहीं से राइट। हाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बिना क्लच के भी आप थोड़ा ब्रेक ले सकती हो, सीधा करो, बिना क्लच के भी आप 5% गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेक पे पैर रखो जरा, और ब्रेक दबाओ थोड़ा सा दबाओ, हाँ और बस छोड़ दो, पैर ब्रेक पे रखो, वापस मूवमेंट में आ गई। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी, कुछ लोगों के माइंड में ये होता है ना कि ब्रेक, हाँ लेफ्ट आओ हल्का, अब इसको आपने पासिंग डे पर दिया था, नहीं दिया, बस हॉर्न सीधा सीधा, हॉर्न बजाओ, लेफ्ट आओ हल्का सा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये नहीं कि चार लोग निकले तो दो को पासिंग डे पर दिया, अगर नीड है तो चारों को दो, अगर वो गलत लाइन में आ रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट थोड़ा राइट दबा के, हाँ ब्रेक पे पैर रख के स्लो करके, गुड। और देखिए इसमें ना अनीतू जी, जितना राइट जाना यहीं से, जितना अलर्ट रहेंगी, जितना मतलब सीरियस होके चलाएंगी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। बट जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, कोई क्लच ब्रेक ले रहा हूँ, एक बार भी मैंने क्लच ब्रेक पे पैर रखा है नहीं रखा है, इसलिए क्योंकि ये फुल कॉन्फिडेंस आपका है, क्योंकि मैं यहाँ चीटिंग कर लूँगा लेकिन जब आप अपनी कार चलाओगे तो उसमें कैसे डबल क्लच ब्रेक होगा, तो वहाँ पे फिर गाड़ी नहीं चल पाएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे कि चल क्यों नहीं रही है स्ट्रेट, तो इसलिए जो कंट्रोल है वो आपका ही है, मेरा सिर्फ काम है गाइड करना आपको। हाँ इमरजेंसी में अगर कोई गाड़ी या कुछ आ जाता है बच्चा तो ये नहीं संभलेगी आपसे, तो मैं सपोर्ट करूँगा आपको। ये जो सारे सीवर के ढक्कन हैं इनको बीच में लो, सारे टायरों के बीच में आने चाहिए, इस ये भी एक जजमेंट होता है। मान लो भी ढक्कन खुला हुआ है तब गाड़ी कैसे निकालोगी, हल्का लेफ्ट आओ, बस ढक्कन खुला है तब कैसे निकालोगी अगर अंदाज़ा नहीं है हमें, ठीक है।
स्ट्रेट। हाँ राइट का सिग्नल और अपना लेफ्ट दबा के थोड़ा कर्ब लेके फिर काटना। राइट जाना है हमें, लॉन्ग हॉर्न पुश करना, राइट वाला पैर ब्रेक पे, जरूरत हो तो दबाना अदरवाइज नहीं। राइट काटो, काटो राइट और बस अपना लेफ्ट आओ धीरे धीरे मिरर चेक करके। हाँ ये देखा चल रही है सही गाड़ी, जबरदस्त। बस ऐसे मुस्कुराते रहिए और ऐसे गाड़ी चलाते रहिए। अब ये है सिंगल रोड, इन रोडों पे टेंशन ज़्यादा रहती है क्योंकि जो सामने से गाड़ी आती है ना कई बार बीच में आता है, तेज चला रहा है तो ये ध्यान नहीं देता है दाएं बाएं चक्कर में, तो उस चक्कर में फिर अगर हम पासिंग डिपर टाइमली नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारी गाड़ी भिड़ जाएगी। इसलिए सामने वाले को हमको याद दिलाना कि भाई हम भी रोड पर चल रहे हैं, उसका पासिंग डिपर जैसे हॉर्न देते हैं वैसे ही पासिंग डिपर है, बट हॉर्न इरिटेट करता है। पासिंग डिपर ये है कि मतलब वो थोड़ा सा सामने वाले की आंखों में लाइट लगती तो वो अलर्ट हो जाता है। हालांकि अभी जो गाड़ियां आ रही है उसमें डे में भी लाइट जलती रहती है। स्लो करो, स्लो 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 और स्लो, स्लो और स्लो, हाँ स्लो और स्लो, हाँ बस अब इसको पहले गियर में करो, यही चीज़ तो मैं चाह रहा था। अभी पहले ब्रेक छोड़ना, फिर हाफ क्लच छोड़ना, हाफ हाफ ज़्यादा नहीं, और हाफ को रोके रहना थोड़ी देर तक। गुड, वेरी गुड, देखा यही चीज़ होनी चाहिए। बिना एक्सीलेटर के गाड़ी बड़ी बड़ी, बिना एक्सीलेटर के थोड़ी बड़ी थी बट लग रहा था बंद हो जाएगी, तब मैंने हल्का कर दिया। हाँ लेकिन गाड़ी उठ गई थी। हाँ। स्पीड बढ़ा लो। इन सब रोडों पे चलाना टफ है, अगर आप मुंशी पुलिया वाले रोड पे चलाओगे डिवाइडर रोड पे तो वहाँ आसान है क्योंकि सामने से खतरा नहीं रहता है। आगे से लेफ्ट चलना मानस वाले रोड पे, स्पीड बढ़ाइए। हाँ सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैडम आपने सिग्नल तो दिया नहीं लेफ्ट का, वीडियो के चक्कर में। आपका भी ब्लॉग है ना, किस नाम से है? नीतू ब्लॉग्स के नाम से। मैडम का भी किस पे, यूट्यूब पे? यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे। दोस्तों मैडम को भी फॉलो करो, चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अरे मैं लिंक उसमें डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग फॉलो करिए।